मैं मनीष कुमार गौतम हूं, मैं अल्टरनेटिव लर्निंग सिस्टम में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूं एंड इन एडिशन टू बीइंग द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट ALS, आई फील ऑलवेज ग्रेट टू इंट्रोड्यूस myself एज मेंटोर फॉर सिविल सर्विस aspirant. मैं अपने इंस्टीट्यूट में पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, इंडियन ज्योग्राफी, इंटरनल सिक्योरिटी, करंट अफेयर्स आदि विषयों पर सत्र आयोजित करता हूं, क्लासेस कंडक्ट करता हूं. एक बहुत बड़ी दुविधा जो अनेक अभ्यर्थियों और अभिभावकों के मन में है कि क्या सिविल सेवा परीक्षा साधारण छात्रों के लिए बना है या नहीं. मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूं कि एक साधारण छात्र भी इस परीक्षा में अति साधारण प्रदर्शन कर सकता है. ए वेरी ऑर्डिनरी स्टूडेंट कैन गिव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस. दिस इज वेरी मच पॉसिबल. लेकिन परीक्षा की तैयारी की शुरुआत के समय आपकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि क्या है, ये ज़्यादा मायने नहीं रखता है कि आपने टेंथ में बहुत अच्छे अंक लाए हैं या नहीं लाए हैं, ट्वेल्थ में आपने बहुत अच्छे मार्क्स के साथ पास किया है या नहीं किया है, आपको देश के प्रतिष्ठित कॉलेज में और स्कूल में पढ़ने का अवसर मिला है या नहीं मिला है, ये सब ज़्यादा मायने नहीं रखता है. लेकिन हाँ, जिस दिन आपने निर्णय ले लिया कि मुझे सिविल सर्विस एग्जाम का प्रिपरेशन करना है, उस दिन से एक अति साधारण छात्र के रूप में स्मार्ट हार्डवर्क करना होगा, एक रणनीति के तहत काम करना होगा और उसके बाद आप पूरी तरह से इस परीक्षा में सफल हो सकते हैं. आपको बताना चाहूंगा कि अगर इफ वी सी प्रीवियस रिजल्ट्स इन यूपीएससी एग्जाम, देयर आर मेनी सक्सेसफुल कैंडिडेट्स who never got opportunity to go to best of the institutions in this country. जिनको 10th और 12th और graduation में बहुत साधारण अंक आए, 45%, 50% अंकों से 10th और 12th करने वाले, graduation में कभी कभी एकाध वर्ष फेल होने वाले छात्रों ने भी सिविल सेवा परीक्षा में टॉप 10 में रैंक लाया है. तो माई मैसेज इज वेरी क्लियर एंड लाउड. It's not about what you have been doing till date, but how you will go ahead will decide the destiny. आपका पूरा destiny इसी पे depend करता है. तो इसलिए इस चीज को अपने सोच से निकालिए कि अभी तक आप अच्छा प्रदर्शन नहीं किए हैं स्कूल के स्तर पे, कॉलेज के स्तर पे, तो ये आपको disadvantageous position में ला के खड़ा करता है, ऐसा नहीं है. लेकिन हाँ, इसके आगे का जो रास्ता है, एक चुनौतीपूर्ण रास्ता है, ये आपको आज स्वीकारना होगा और उसी के अनुरूप आपको एक कार्य योजना, रणनीति बनानी होगी, इस तैयारी के प्रति एक डेडिकेशन, डिवोशन दिखाना होगा, एक अनुशासन के साथ पाठ्यक्रम समयबद्ध तरीके से पाठ्यक्रम को पूरा करना होगा, जो परीक्षा की पद्धति में बदलाव आए हैं उन बदलावों को समझना होगा, इस परीक्षा की क्या मांग है सफल होने के लिए उसको डिकोड करना होगा और उसको अपनी रणनीति में जगह देनी होगी. तो एक साधारण छात्र अति साधारण प्रदर्शन के आधार पर इस परीक्षा में अंतिम रूप से सफल हो सकता है.